ताकि आपने भी स्क्रीन पर स्टेटस देखा दोस्तों, तो वैसा स्टेटस अभी क्रिएट करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को कहीं भी स्किप करके मत देखना, ओके दोस्तों। सो दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि आपको मैं वहाँ पर सब न्यू टिप्स देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है लाइट मोशन। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ओके दोस्तों। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी, तो उन दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद लाइट मोशन में इनपुट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। लाइट मोशन में इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, वो मैं आपको सब कुछ आगे की प्रोसेस करके बताता हूँ। तो लाइट मोशन को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, तो हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड दो प्रोजेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेक इफेक्ट है और बीटमार्क सॉन्ग है, तो दोनों को इनपुट करने के बाद इस तरह से आ जाएंगे। तो हमें जो बीटमार्क सॉन्ग है उसे ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर रेड कलर में बीट मिल जाएगी और ये सॉन्ग मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर फोटो लगाना है, तो फोटो लगाने के लिए इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इस मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से कोई सी भी एक फ़ोटो ले लेना। अगर आपके पास इस तरह की फ़ोटो नहीं आ रही है दोस्तों, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी फ़ोटोज़ डली हुई है, ऊपर पिन करके रखा हूँ, तो वहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। सो चलिए यहाँ पर हम फ़ोटो को लगा लेते हैं। फ़ोटो लगाने के लिए फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए ऊपर थ्री डॉट दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर मिल जाता है फिल कंपोजिशन एरिया, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस तरह से लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फ़ोटो यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से बैक चले जाना और बैक जाने का सेक इफेक्ट को ओपन करना है और इस तरह से लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद आपको ये लेयर, दो लेयर मिल जाएगी, तो यहाँ पर इस तरह से क्लिक करके रखना थोड़ी देर, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर दूसरी लेयर पर क्लिक करना, दो लेयर इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना और कॉपी टू लेयर पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद खाली जगह में टच करना और पीछे आ जाना। पीछे आने के बाद बीटमार्क सॉन्ग को ओपन करना और इस तरह से आगे आ जाना है। यहाँ पर आगे आना है इतना, ठीक है दोस्तों। इतना आगे आने के बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इफेक्ट लग जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे आना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। दो दो बीट छोड़कर आपको इस तरह से इफेक्ट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर पेस्ट कर करके बता देता हूँ। इस तरह से जितने भी दो दो बीट है उनको छोड़ छोड़ कर ये वाला इफेक्ट लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ पर ये वाला छोड़ देंगे हम, यहाँ पर कुछ अलग इफेक्ट लगाएंगे और फिर आपको इस तरह से आगे आना और इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करते जाना है, ठीक है दोस्तों। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ न्यू स्टाइल में सिखाता रहता हूँ। तो ये इस तरह से हमको सारे इफेक्ट लगा लिए हैं। उसके बाद हमें यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फिर से एक इफेक्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इस तरह से दूसरा नंबर का ये जो लेयर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है, बीटमार्क सॉन्ग को फिर से ओपन करना है और इस तरह से आगे आ जाना है। यहाँ पे आगे आना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको सेकंड बता देता हूँ मैं, ये यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आना है, ये 3:27 सेकंड पे, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद आगे आ जाना, आपको 5:10 सेकंड पे आना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर अगली बीट पर आना है 5:24 सेकंड पे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देना। फिर आपको एक बीट छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों, एक बीट छोड़कर आगे आ जाना है। तो इसी तरह से एक एक बीट छोड़कर दो दो बीट में ये वाला इफेक्ट भी पेस्ट कर लेना है। तो ये वाला काम भी आपको लास्ट तक करना रहेगा इस तरह से। फिर आपको क्या करना है वो भी आगे आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए दोस्तों, और थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देना, ओके फ्रेंड्स।
सो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर सारे इफेक्ट लगा कर बता दिया हूँ। अब आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो इफेक्ट मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इस पर इस तरह से क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से कॉपी लेयर कर लेना। फिर बैक जाना है और यहाँ से आपको बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस वाली लेयर को फर्स्ट में ही पेस्ट करना है, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। इस तरह से यहाँ पर जितने भी बीट है उनके बीट के हिसाब से यहाँ पर पेस्ट करते जाना। तो ये काम भी आपको यहाँ तक पेस्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ तक पेस्ट करना है आपको 3.12 सेकंड तक। इतना होने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर आना है, सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ऊपर तीन लेयर मिलेगी इस तरह से, तो तीनों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी लेयर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से बैक जाना है, बिटमार्क सॉन्ग को ओपन करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर कर देना है। उसके बाद तीनों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पे, तो ये इस तरह से लास्ट तक आ जाएगी। उसके बाद जो आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा, तो इस तीर के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।